यार अभी सुबह के 5:30 बजे और अभी भी मैं नमाज़ पढ़ कर आया हूँ और आज मैं इतनी जल्दी ब्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरी अम्मा जा रही है उम्रे पर, अभी हम उनको जाएंगे एयरपोर्ट ड्रॉप करने। हाँ भाई, वही कल्लू चिट्टू क्या हाल है? टिक टिक टिक। ए उड़ जाओ फजर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो। यार ये बिल्ली के वो बच्चे हैं जो बिल्ली लावारिसों की तरह हमारे बेडरूम में छोड़ गई थी। इनको यहाँ पे छोटा सा घर बना के दिया बच्चों ने और ये यहाँ पे रह रहे हैं आजकल। इनकी मामा आती है रात को यहाँ पे, दूध वगैरह पिला के इनको चली जाती है। भाई तुम्हारा भाई बहुत खुश है आज क्योंकि मेरी मम्मी पहली दफ़ा उम्रे पे जा रही हैं और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। खैर तैयारी श्यारी हो गई है और हमने 7 बजे पहुँचना है एयरपोर्ट पे, तो अभी टाइम भी काफ़ी हो गया और 1 घंटा रहता है तकरीबन, निकलते हैं। अच्छा तो यार अभी हम आए हैं अपने कज़न वगैरह को लेने के लिए क्योंकि मेरी अम्मी के साथ जो है 7 लोग और जा रहे हैं, उनमें मेरे मामू हैं और मेरे जो हैं कज़न वगैरह रिलेटिव हैं, तो ये सब तैयार होकर खड़े हैं और बस निकलने लगे हैं सारे। One hour later. यार अभी हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर रश इतना ज़्यादा है जैसे ना फ्री लेकर जा रहे हैं लोगों को, इतना ज़्यादा रश है। और मेरी अम्मी की फ़्लाइट है वो है 11 बजे, तो अभी काफ़ी टाइम है और अभी हम वेट कर रहे हैं, इधर खड़े हुए हैं सारे। अभी क्या सीन होगा, क्या प्रोसेस होता है मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ। से हम वापस आ गए अपने अम्मी को छोड़कर और उनकी फ़्लाइट थी 11 बजे की, तो अभी मैं वापस घर आके मैं सो गया था, तो अभी मैं उठा हूँ। अम्मी लोगों से रबता नहीं हुआ तो शायद पहुँच गए होंगे क्योंकि 6 बज रहे हैं। खैर दुआ करना यार, जो भी लोग उम्रे पे जाते हैं या जाएंगे या जाने वाले हैं तो सब के लिए खैर वाफियत की दुआ करें और खैरियत से जाएँ, खैर से वापस आएँ। लेकिन अभी ये बिल्ली का बच्चा छोड़ कर रहा है, मैं इसको देख लिया है किधर। दूसरा वाला किधर है यार? ये दो थे और दूसरा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो यार इसका ये दूसरा साथी था ना जो काले वाला, एक थे ये चिट्टू और दूसरा था कालू, तो वो कहीं गुम हो गया, पता नहीं किधर है। तो ये इसके लिए शोर मचा रहा है। अच्छा इससे पिलाने से नहीं पी रहा, ये दूध इधर से पिलाने से नहीं पी रहा, नीचे नीचे फेंकने से पी रहा है। चल पी ले अब। पी ले चिट्टू। अच्छा मैं ढूंढता हूँ उसको, पता नहीं यार किधर गायब हो गया। तो नहीं गया, हट जाओ भाई हट जाओ, छोटो में तो नहीं घुस गया। लो भाई कल्लू गायब हो गया। खैर इसको हम बिठा कर जाते हैं यार अच्छे से। इधर बिठाते हैं यार, सर्दी लग रही होगी, सर्दी लग रही है, कांपने लग गए।
और क्या रखें इसके ऊपर, ऐसे ढक देते हैं यार। हाँ भाई इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, ढूंढ लेते हैं उसको। अहमद अहमद वो दूसरा वाला बच्चा किधर है, ब्लैक वाला? वाला पता नहीं किधर है, किसको पता है? किसी को भी नहीं पता, सुबह सुबह उठ के देखा था तो नहीं था, नहीं मिला। हाँ मुझे पता, या फिर बिल्ली उसे उठा के उधर हमारे कमरे उधर उधर रख दी होगी, होगी। कब से गायब है? रात से होगा, नहीं सुबह से है। दूसरे वाला रो रहा है, उसका भाई वो लड़की है, लड़की वो बिल्ली है, वो बिल्ली है, वो बिल्ला वो लड़की है। तुझे कैसे पता वो लड़की है? अबरिश ने बताया था। खैर यार दूसरा बच्चा जो है नहीं मिला, पता नहीं किधर है। और इनकी जो अम्मा है बिल्ली, वो आती है इनको कभी कहीं रख जाती है, कभी कहीं रख जाती है। तो खैर शायद वही लेकर गई होगी। खैर अभी इधर नहीं है, अभी सिर्फ ये अकेला ही रह गया इधर। और बच्चों को भी नहीं पता सही से कि वो किधर गया। तो खैर यार आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।